इनसे मिलिए। ये है सीनियर लड्डू। सीनियर लड्डू से आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, पर क्योंकि लड्डू लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कोई भी डॉग लवर क्यों ना हो, वो पहचान लेते हैं कि ये डॉग लवर है, ये मुझे प्यार करेगा, ये मुझे भोजन देगा, और इसलिए बड़ी निश्चिंता के साथ में आकर के किसी भी डॉग लवर के पास में बैठ जाते हैं। हमारा पॉइंट जो ये चल रहा है इस मुहिम के माध्यम से, हम चाहते हैं कि देश के किसी भी नागरिक को डॉग बाइट नहीं हो, और डॉग बाइट नहीं होने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप स्वयं डॉग लवर बन जाइए। जैसे कि हम डॉग लवर हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस लड्डू जिसको हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को बना रहे हैं, आपने इस लड्डू से आज तक 4 साल में हमारे साथ में मुलाकात नहीं करी है, इसके सामने हम दे रहे हैं भोजन। और देखिए आप, ये हमें काट रहा है क्या? काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इसको जो वाइब्स हमसे मिल रही हैं वो पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट टाइम मीटिंग के बावजूद भी यदि ये हमें नहीं काट रहा है, उसका यही बात है कि ये जानता है कि हम डॉग लवर हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस कैंपेन को चलाने का, डॉगिटाइजेशन, हम चाहते हैं कि देश के कोई भी नागरिक को कभी भी कोई कुत्ता नहीं काटे। तो कुत्ता नहीं काटने के लिए सॉल्यूशन बता रहे हैं कि पूरे देश के नागरिक यदि डॉग लवर बन जाएंगे तो किसी को भी कुत्ता नहीं काटेगा, जैसे कि हमें नहीं काट रहा है। अब इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि मिस्टर सीनियर को पहली बार मिलने के बाद हमने चाटा मारा, हमने चाटा मारा, हमने चाटा मारा, पर फिर भी मिस्टर लड्डू ने हमें क्यों नहीं काटा? इसलिए नहीं काटा क्योंकि मिस्टर लड्डू जानते हैं कि हम डॉग लवर हैं। मिस्टर लड्डू, ओ मिस्टर सीनियर लड्डू, सीनियर लड्डू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे के दोनों दांत टूटे हुए हैं। अब बड़ा, जैसे इंसान का बुढ़ापा आता है वैसे किसी कुत्ते का भी बुढ़ापा आता है। बात यह है कि यदि हमारे मन में दया भाव रहेंगे तो किसी वृद्ध इंसान की सेवा करने, जैसे हम वृद्धाश्रम जाते हैं, सिमिलरली हमारी गली के आसपास जी रहे वृद्ध श्वान की भी मदद करने के लिए हम कम से कम पानी का एक कुंड तो रख देंगे। सही बोला ना? जय हिंद।